नमस्कार, अग्रवाल ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अमृतसरी पंजाबी कुलचा। इसके लिए हमें जो चाहिए वो है मल्टीग्रेन गूंथा हुआ आटा, 5 से 6 बॉइल्ड हमारे आलू, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बाउल ये हमारा पनीर, 1 बाउल कद्दूकस की हुई गोभी, बारीक कटा हरा धनिया, 1 स्पून हमारा ये अदरक कद्दूकस किया हुआ, 2 हरी मिर्च कटी हुई बारीक कटी हुई, और घी, आप घी की जगह बटर भी ले सकते हैं। और जो हमें मसाले चाहिए उसमें हमें चाहिए नमक, मिर्च, साबुत धनिया, गरम मसाला, कसूरी मेथी एंड थोड़ा सा पिसा हुआ हरा धनिया। यह हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम लेंगे एक पेड़ी, उसको हल्का सा बेलेंगे, बेल के अब इसमें लगाएंगे थोड़ा घी। आप इसकी जगह, मैंने आपको पहले बताया था, आप मक्खन भी ले सकते हैं, बटर। चकले पे थोड़ा सा घी का हाथ लगाए ताकि चिपके ना, और उसको बेलन यूज नहीं करना हमने। उसके बाद हम धीरे धीरे इसको हाथ से दबा के बड़ा करेंगे। ये हमारा कुलचा बन गया। घरों में मिट्टी के तंदूर अवेलेबल जल्दी से नहीं होते हैं, मिलते नहीं हैं, इसलिए हमने ये इलेक्ट्रिक तंदूर को यूज़ किया है। आपके पास अगर गैस वाला तंदूर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। घी लगाएंगे इसमें थोड़ा सा हम, ताकि कुलचा अंदर चिपके ना।